आज की इस वीडियो में आपको टोटल 15 क्वेश्चन बताएंगे जो कि 2019 के एग्जाम में जरूर आएंगे, और यह 60 आंसर टाइप्स क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। यदि आप 10 प्रश्न आते हैं, हम आपको 15 प्रश्न बता रहे हैं, उनमें से 10 लगभग आ ही जाएगा। और बीएससी के एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर कर देखेंगे तो हर साल पूछा गया है। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको। यदि उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स फर्स्ट पेपर यानी फिजिकल लेजर और ऑप्टिक्स पेपर का नाम है। 2020 के लिए 60 आंसर टाइप और उसके आंसर भी हम बताएंगे आपको। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज निकोल प्रिज्म। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखेंगे तो आप हर साल यह एग्जाम में पूछा गया है। तो निकोल प्रिज्म इज एन ऑप्टिकल डिवाइस मेड फ्रॉम कैल्साइट क्रिस्टल विच इज बेस्ड ऑन द फेनामेना ऑफ डबल रिफ्लेक्शन टू प्रोड्यूस ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट फ्रॉम एन अनपोलराइज ला इंसाइडेंट रेज। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, राइट टू एप्लीकेशन ऑफ लेजर। तो आप आंसर लिखेंगे या आप इसी तरह एकदम एग्जाम में आंसर लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आप उल्टे सीधे इधर उधर लिख के आते हैं बिना मतलब का, तो आपका उसमें नंबर नहीं मिलता। यदि आप ऐसे लिखेंगे जैसे हम लिखे हैं तो इसका आपको जो है नंबर मिलता है। तो चलिए, एप्लीकेशन ऑफ लेजर, लेजर आर यूज्ड फॉर थ्री डायमेंशनल एट फोटोग्राफी। दूसरा, इट इज यूज्ड एज ए टूल्स फॉर माइनिंग एंड टनेलिंग रॉक। और अगला है, व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, तो इसका आंसर देखिए, पॉपुलेशन ई पॉपुलेशन ऑफ इन्वर्जन टू अचीव्ड बाय सप्लाई एनर्जी टू द मटेरियल वार टू द मीडियम सो दैट एटम्स ऑफ दिज मीडियम एब्जॉर्ब ए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड गो फ्रॉम लोअर इनटू द हायर एनर्जी लेवल। दिस सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द मीडियम इज कॉल्ड पंपिंग बिकॉज एनर्जी मस्ट बी इनिशियली पम्प्ड इंटू द मीडियम टू अचीव्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन, डिफाइन डायफ्रेक्शन। आंसर इसका है, द बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द कॉर्नर ऑफ ए ऑब्स्टिकल ओवर अपर्चर इज कॉल्ड डायफ्रेक्शन। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज जोन प्लेट। ए जोन प्लेट इज स्पेशली कंस्ट्रक्टेड ऑप्टिकल डिवाइस विच ब्लॉक्स द लाइट। और अगला क्वेश्चन है, डिफाइन ऑप्टिकल पंपिंग। इसका आंसर, द प्रोसेस ऑफ अचीविंग पॉपुलेशन इन्वर्जन इज नोन एज पंपिंग एटम्स ऑप्टिकल पंपिंग विच इज यूटिलाइज्ड इन रूबी लेजर। और अगला है, वा राइट बूस्टर ला। बूस्टर डिस्कवर्ड एज ए सिंपल रिलेशन बिटवीन द पोलराइजिंग एंगल पी एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द मटेरियल टू रिलेटिव टू द सराउंडिंग मीडियम। म्यू बराबर 10 P, दिस इज कॉल्ड बूस्टर लॉ। देखिए यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
वाट इज पोलराइज्ड लाइट? ए प्लेन पोलराइज, बी ऑफ लाइट इज वन इन विच द इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑफ द लाइट इज टोटली रेस्ट्रिक्टेड टू वाइब्रेट इन ओनली वन प्लेन। और अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट? यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह 2019 में आया था, 17 में, 15 में हर बार यह प्रश्न आता है। तो चलिए हम इसका आंसर आपको दिखाते हैं। देखिए रहा, डिफाइन रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यह प्रश्न हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, यानी यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज द एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस सेपरेट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद है, व्हाट इज बबिनेट कंपनसेटर? इट इज, इसका आंसर है, इट इज ए यूजफुल डिवाइस यूज्ड इन द प्रोडक्शन एंड एनालाइजिंग ऑफ इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। और इसके बाद इंटरफेरेंस, डिफाइन इंटरफेरेंस, यह बहुत एग्जाम्पल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2020 के एग्जाम के लिए, यह भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव आर कॉल्ड इंटरफेरेंस। सो फ्रेंड्स, हमने आपको पूरे 10-12 क्वेश्चन दिखाए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम ऑब्व्यू से। तो आप यदि इसको रट लेते हैं तो आपको एग्जाम में 10 प्रश्न अवश्य इसके मिल जाएंगे, आप अच्छा खासा नंबर पा सकते हैं। तो चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की और वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।